भारत के सबसे अमीर उद्योगपति का तमगा हासिल करने वाले मशहूर गौतम अडानी ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इंडिया के लिए ऐसी बात कही है जिसे सुनकर हर भारतवासी गदगद हो जाएगा। लेकिन इस बयान से दुनिया वाले हैरान हैं। क्या है अडानी का ये नया बयान, ये हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। अडानी ने क्या कहा है पहले वो सुनिए। It took us 58 years to get to our first $1 trillion of GDP, 12 years to get the next trillion, and just 5 years for the third trillion. I anticipate that within the next decade, India will start adding $1 trillion to its GDP every 12 to 18 months. अडानी ग्रुप के फाउंडर और दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में शामिल गौतम अडानी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर खुशी जाहिर की है और इसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया है। भारतीय इकोनॉमी को लेकर गौतम अडानी ने कहा कि साल 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आएगा, यानी कि इंडिया बनेगा थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2050 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुंबई में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी के लिए अगले 30 साल बहुत अहम रहने वाले हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस दौरान भारत को एंटरप्रेन्योरशिप पर खास ध्यान देने की जरूरत है, वहीं भारत के युवाओं का साथ भी इस सफर में बहुत अहम होगा। भारत के स्टार्टअप के लिए $50 बिलियन तक की फंडिंग पिछले 8 सालों में मिली। ऐसे में ये स्टार्टअप भारत के विकास की गति को बहुत तेज कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की ग्रीन एनर्जी पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है। सोलर पावर और हाइड्रोजन एनर्जी दोनों ही भारत के भविष्य के लिए बहुत अहम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत 2050 तक ग्रीन एनर्जी का निर्यातक देश बनकर उभरेगा। अडानी ने आगे कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था को पहली $1 trillion की इकोनॉमी बनने में 58 साल लग गए, लेकिन इसके बाद हमने सिर्फ 5 साल में $3 trillion का आंकड़ा छू लिया। अगले 12 से 18 महीने में भारत $4 trillion इकोनॉमी तक पहुंच जाएगा। उम्मीद है कि भारत 2050 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के समय ऐसा माना जाता था कि भारतीय लोकतंत्र ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, लेकिन पिछले 75 सालों में हमने एक मजबूत लोकतंत्र का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिजनेस से जुड़ी ऐसा ही खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें बिस्तर।